So, alright, Jai Jagannath Sangha mane, ajira vlog ta auto start kariba. Ajira vlog ta start hoche college bhituru because ebe to college re kei nathi karan class start he sarani 20 minute he sarlani. Aji mu late re uthili to biology alga class thile ma asibi nathi second class asthandi. But biology achi ma'am bahut bhalo to allow kar de bhituru. So, chalo jiba. भोक बहुत जोर है रिसेस तीन टा क्लास पर मम्मी उपमा बनी था खाई पल आसली जस्ट अल्पटी खाई पल आस सो चल जा क्लास करवा भाई लिटरली पिला के ही ना बिकज सब क्लास आगे गोटे बेनिफिट है कॉन्फिडेंटली ब्लॉग बनाऊँ बाकी आ गोटे रिजन है हालाउ करी कि नहीं जाना नहीं फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस रे जाऊँ सो चल देखा कौन हो लेट्स गो दीटा क्लास गला पांच मिनट पाठ पढ़ाई पर्त पांच मिनट गोटे मैंने वार्ड पढ़ाई दाना गोटे वार्ड एपर्त पढ़ाई बक्चर चलती क्लास सारा कौन कह क्लास अब जो सरला बाकी भोक जो है सो जीबा मुड भी टिका बिकज आज मिडसेम रिजल्ट आने एत भी खराब है सब पंदर चौदह षोह पंदर एमती अच्छे खराब है बाकी चल पढ़ाक पड़ो जहाँ भी पढ़ाक पड़ो न पढ़ले किसी ना आउ रहा के चालीस दिन पखापाखि रहा एंटर को तो एबू न लगे किसी हमें सो भोग चलें खाइबा एवं खाली ब्लॉग तो आसो सीटा ब्लॉग ही करूनी बट पढ़ाक तो पड़ो सो चल बाहर कौन मिलूँ देख आईदर इटली ना परटा भी मिलूँ आई थिंक ना कैंटीन आज की बार शुक्रवार चिकेन फिकेन कौन होता खाईद चल खाइबा सरला बाकी से बरा बरा तो नुह इटली खाइली बरा तो खाइबिन बोले मना करी तो खाऊनी बाकी चल भाई पेटर दाना टे पड़गले जो शांति लगुच अलग प्रकार शांति ना गोला बुलू थो कि घर खाइबु तो से डायरेक्ट क्लास करवा लेट्स गो खाइबा सरला मैंने जहाँ भी शोष कर पानी तो नहीं आई थिंक कोल्ड ड्रिंक्स ना लस्सी टाइप रो कौटे देखा पड़ो तो चल एबिटे जा आसवा देन स्काई लैब बस आड़े मिनट अच्छे क्लास सरिया को तो क्लास सरले जाए क्लास सरी क्लास सर नु रिसेस ओवर आगे कोड़े मिनट अच्छी तो सहीटा हूँ तो स्काई लैब बस पड़ो सो चल जा स्काई लैब बस कौन नहीं आसवा एबिट्रु लिटरली क्लास कर टोटाल इच्छा ही नहीं खाई सारे मैंने खाईदे मुद से आदर बहुत खराब बट कौन करवा से चल दीटा क्लास करदे सो क्लास जस्ट एवं सरला बाकी बेस किसी प्रोग्राम एवं कौन प्रोग्राम चलती कॉलेज रे सो चल देखा प्रोग्राम देन घर को जी लेट्स गो स्वाति सोनालिका पंडा वाज द सेकंड रनर अप इन द ओडिया कैटेगरी Next, our final year student Namrata Mishra was selected as the president of General Assembly in the diplomatic summit organized by the Ka hauchi kana Fulbari Silivani Jaun karibu dance prize of 15,000 rupees Asri hari kichi kahibe aji kon chalchi eta Sri Asu patna bhai da gaibe aji 34 students kon gaibu tu kon gaibu गीत नहीं गाँव कर्कस राब मैं कुंभा टुआ बणी खु खुश और आउ तो शुभुनी भाई रे इंटर कॉलेज भितर किछ गोटे भावुली बट ये इंटर कॉलेज भितर किछ नुह एटा ओपन माइक ही अच्छी बाकी आम पिला पार्टिसिपेट कर सो देखा केमती कौन होता जान भी नी तो यहाँ ब्लॉग इनक्लूड कर भाभी नी बाकी ओपन मैक टा होउ जी सो देखिवा ब्लॉग कले आ ब्लॉग किछि गोटे कॉलेज से इवेंट हेले गौरव पड़े आसी ब्लॉग करे तो अपन मैक रे नहीं जुगी नो नहीं नु तो काई गपुचू किछि किछि पार्टिसिपेट करियार नै खाली गप बड़ो बड़ो मो जो ऑडियंस तो बस बस घर उपळा
the analysis, the imagination, and summing up many critical things. आपण पार्टिसिपेट करले नी टू ए सिंगल सेंटेंस इवन फाइव पॉइंट पार्टिसिपेट करते बहुत भला है था सो दिस इज समथिंग सिमिलर इतने भला हसतो आपको पता है कॉमेडी अच्छा करता है लेकिन व्हाट इज इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट थोड़ा कैमरा को देख के बोलो क्या है स्टेज पर कौन बोले ऑलवेज ए वेरी डिफिकल्ट टू वॉच हाउ इट कैन रिटन पोएम सुनाने जा रही हूं पर आई उससे पहले सुनते हैं कि मैंने ये कविता लिखी क्यों तो एक दिन हम 6 लड़कियां बैठ के ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे थे एंड हमने उसे एंड करने के लिए एक सीरियस क्वेश्चन पूछने का सोचा द क्वेश्चन वॉज कि अगर आपके साथ कभी भी कोई भी सेक्शुअल असॉल्ट हुआ है चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो बताओ एंड यू ऑल विल बी सरप्राइज टू नो दैट ईच वन ऑफ अस हैड समथिंग टू टेल एंड दिस इज हाउ आई रोट माई पोएम जवाब विच इज एन आंसर To all those assaulters from all those victims out there, जो कि इस प्रकार है जिस घिनौने ढंग से तेरे मुंह से मेरे लिए वाह निकलती है क्या करूं अब तो मेरे मुंह से ना एक भी आह निकलती है क्या नोच लूं मैं हर उस जगह को जहां तूने मुझे छुआ अगर समेटने बैठूं अपने आंसुओं को तो भर जाएगा पूरा कुआं कि नहीं सिर्फ तेरे हाथ बल्कि तेरी बातें भी मुझे झंझोर देती है कि अब तो ऐसा लगता है कि मेरा शरीर भी मेरा साथ छोड़ देती है कि मैं तेरे उन घिनौने नजरों से भी सहम जाती हूँ कि मैं काली भी बन सकती हूँ पर खुद पे रहम खाती हूँ कि अगर मैं काली बनी तो भोलेनाथ मुझे शांत करने नहीं आएंगे जब मर्दन शुरू होगा तो एक भी पापी बच ना पाएंगे कि थोड़ा संभल जाओ अगर हमारे धैर्य का घड़ा भर गया तो समझ जाना कि हमने अपना रौद्र रूप धर लिया कि फिर कभी तुम हमारे चमड़ों से अपनी हथेली सेक ना पाओगे कि थोड़ा बच के रहो क्योंकि उसके आगे की कहानी तुम देख ना पाओगे और इसी के साथ मैं अपनी कविता समाप्त करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि ये कविता सिर्फ हम 6 लोगों की तरफ एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी Well, 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 the story doesn't end here. Good afternoon, everyone. I'm Anuradha Naik, participating in Tale a Tale competition, and here my story goes like this. ये कहानी है तो बच्चों की जो गांव में रहते थे एक 6 साल का और दूसरा 10 साल का जिसका नाम है जय और वीरू और दोनों बहुत ही जिगरी यार थे जैसे जय और वीरू की तरह दोनों साथ साथ खेलते थे साथ साथ सोते थे और साथ साथ पीते भी थे एक दिन हुआ यूं कि दोनों खेलते ही खेलते गांव से थोड़ा दूर चले गए और ऐसा खेलते ही खेलते वीरू कुएं में गिर जाता है फिर वो जोरों जोरों से चिल्लाने चीखने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता फिर जय अपने आसपास देखता है किसी को बुला सके वो अपने मदद के लिए लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं होता जो उनकी मदद कर सके फिर जय की नजर जाकर एक बाल्टी पर गिरती है जिस पर एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई होती है तो वो झट से बिना कोई समय बर्बाद किए वो बाल्टी कुएं में डाल देता है और अपने दोस्त को बोलता है उसे पकड़ने के लिए और वो पागलों की तरह खींचता रहता है जोर से खींचता रहता है खींचता ही रहता है खींचता ही रहता है तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपने दोस्त को बाहर ना निकाल ले और ऐसे खींचते ही खींचते वो अपने दोस्त को बाहर निकाल लेता है A dark, fury rat who shows up unannounced. We don't know where he comes from, what his intentions are, what he demands of, or when he plans to leave. But we sense a danger in his presence. For all of us have heard of his kind. How they killed a lot of us over some 100 years ago? Let me tell you a secret. My mother is a very strong woman. But rats scare her. And my father is mostly outside. And this is a crisis. That's where I step in. As the supposed man of the house, I enter the kitchen. With humble steps, with a jharu in one hand and a newspaper in other, I look for my prey. I look around, but I couldn't find him. There's nobility in patience, I'm reminded. Until I hear a squeak and turn my head around.
at the animal who's as big as my size of my fist. I jump at the animal, there isn't enough time to use the charu for he'll escape. So I wrap him up in a Times of India newspaper and squish. तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पृथ्वी। आप लोग मेरे को पहले पहचानते हो गए, अगर नहीं पहचानते हो तो अभी के स्टैंड अप से पहचान लो। सो दिसंबर इज ऑलमोस्ट एंडिंग, सो कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू दोज पीपल हु हैव, मतलब उन लोगों की शादी हो चुकी है, ठीक है? तो एंड शादियों का अभी सीजन चल रहा है, सो लाइक यहाँ पे मैं दो सेक्शंस ऑफ ऑडियंस इन इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये दो सेक्शंस तुम लोग सोच रहे हो क्या होगा दिसंबर के महीने में, ठीक है? तो पहला सेक्शन ऐसा है ना, जो इंस्टाग्राम में ना ऐसे हजार कपड़े पहन के खाना वाना एकदम मेन्यू वेन्यू एकदम डाल डाल के एकदम मतलब सबको जला रहे हैं, ठीक है? और सेकंड सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी है मेरी तरह, जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख के अपनी भूख मिटा रही है, ठीक है? सेकंड सेक्शन के ऑडियंस में मैं ये इंक्लूड करना चाहता हूँ कि मैं परसों कैंटीन गया था खाने के लिए, कैंटीन वाले भैया ने मुझे पनीर देता ही चला गया। मैंने पूछा, क्यों भाई आज आप में इतना बड़प्पन क्यों, आपकी शादी फिक्स हो गई क्या? वो लोग बोलने लगे कि नहीं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में देख के भूख मिटा रहा है सब, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप कैंटीन में आके खाना खा रहे हो, ठीक है? सो लेट मी बिगिन दिस स्टैंड अप। तो अभी जो बोला मैं शादियों का सीजन चल रहा है, तो मैं अपने परिवार से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ठीक है? तो मैं ऐसी परिवार में बड़ा हुआ, ठीक है, जहाँ पे मेरी मम्मी और पापा ने मुझे बहुत ही प्यार और मुझे बहुत ही नाजुक से पाल पोस के बड़ा किया। मुझे आज तक किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। आई होप दे आर गुड पेरेंट्स, आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। बट प्लॉट ट्विस्ट यही है कि मुझे आज तक किसी चीज के लिए छूने तक भी नहीं दिया। मारा इतना गंदा इग्नोर कि उन लोग बोला कि कुत्ते को भौंकने दो, इस कुत्ते को भौंकने दो। बस उससे भी बदतर हालत थी मेरी, जो अभी स्टेज पे उठ के आया था, ठीक है? तो उससे बदतर हालत थी मेरी, उन्होंने बोला कि इस कुत्ते को भौंकने दो, ये अपने आप ही चुप हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे जितने सब लाइक ऑडियंस है, कि कितने घर में, मेरे को ये बताओ कि बड़ी बहन है, बिग सिस्टर, दीदी, दीदी क्या आप उन लोगों को क्या बुलाते हैं, वो मेरे को बताओ। मैं अपनी बहन को ना चोर, डकैत, क्या क्या नहीं बुलाता, ठीक है? तो मैं अपनी बहन के बारे में तुम लोगों को कुछ बताता हूँ। मेरी ये जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ, ये तीन साल पुरानी है। तो बहन के घर में ना क्या हुआ, लड़के वाले आए थे, ठीक है? तो लड़के वाले जब आए थे, तो वो लोग बोले कि मतलब वो होता है ना, आप बाहर जाए हो, ठीक है, वहाँ से आप वापस जब लौट रहे हो, तो एक फॉर्मेलिटी की साउंड वहाँ पे सुनाई देती है। फॉर्मेलिटी की साउंड आप वहाँ से क्या एक्सपेक्ट करो, क्या हो सकता है? फॉर्मेलिटी की साउंड ये है, भैया आप जो भी बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है? तो लिटरली यहाँ से मैं एक चीज़ क्या आप एक्सपेक्ट कर सकोगे, मतलब यहाँ से ऐसा माहौल हो चुका था ना, मेरा परिवार कोई भी चीज़ के लिए ना नहीं बोल सकते। दुश्मन चाहे कितने भी हो, मैं उन सब को ललकारती हूँ। कहा ना, एक माँ हूँ मैं, सबको पछाड़ती हूँ। लोग अक्सर भूल जाया करते हैं कि एक शेरनी जब माँ बनती है, तब वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। जख्मी भी हो सकती है, लेकिन शिकार में माहिर भी तो होती है। शिकार बन ना जाऊं, इसलिए शिकार करने चली हूँ। दोस्ती और दुश्मनी का सार समझने चली हूँ। क्या सही है और क्या गलत, ये फर्क मैं जानने चली हूँ। इस धर्म संकट को अपने कर्मों से संभालने चली हूँ। इस सही और गलत की लड़ाई में मटके की मिट्टी से पक्का रंग है मेरा। इस हार और जीत की तबाही में चट्टानों की शक्ति से दृढ़ प्रण है मेरा। अपनों को रक्षा करना ही अब धर्म है मेरा, दुश्मनों को पराजित करना ही अब कर्म है मेरा। अपनों से धोखा खाकर भी चल रही हूँ अपने रास्ते, जो रास्ते में आएगा खत्म कर दूंगी परिवार के वास्ते। मेरा प्यार एक वार है, मेरा प्यार एक दहाड़ है, मेरी नफरत एक जंग है, वजह आज युद्ध का संग है। मुझे आग में कूदते देख आज सारी दुनिया दंग है। इस आग से लिपट के ही मशाल मैंने जलाई है। ध्यान से देख ले मुझे, मेरी लकीरों में ही तेरी तबाही है। सो चलो निभाए पे घरों को, बिकॉज घरे भी काम अच्छी और बेसी रिकॉर्ड मैंने मैक्सिमम रिकॉर्ड करी आउ गोटे दिन शायद थीबा परे तो रिकॉर्ड करिनी, बाकी रेकर्ड करते भिडियोटा बहुत लंबा होता था। तो चलो ए घर को आउ ब्लॉग कंटिन्यू तो ना, जदि किसी है कंटिन्यू हम ना ब्लॉगटा एंड ही हम। सो लेट्स गो।